एवरीवन, जय संतोषी माता। गाइस, हम आपको दही के आलू बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये दही के आलू में कौन कौन से इंग्रीडियंट्स पड़ने वाले हैं। तो हम उन इंग्रीडियंट्स की बात कर लेते हैं और उन सारे इंग्रीडियंट्स को जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस दही के आलू बनाने के लिए, तो हम उन सारी चीज़ों को पहले से ही कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स को बात करते हैं उनकी और उन्हें कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उबले आलू चाहिए। तो हमने उबले आलू को ले लिया है। अब हम इनको चार पीसेस में कट कर लेंगे। एक एक आलू को हमने आलू को कट कर लिया है। अब हम क्या लेंगे, दही लेंगे। हमने दही को ले लिया है। अब इसको हमने फ्रेश दही ली हुई है, हमने दही को, ये खट्टा दही है। अब इसे हम अच्छे से पूरे छाछ की तरीके एक बना लेंगे, मतलब मट्ठे के तरीके बनाएंगे। हमने इसमें पानी ऐड किया हुआ था। तो हमने हींग ली हुई है, अब हमने जीरा लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नमक लेंगे। हम नमक को भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हमने नमक लिया हुआ है। अब हम मिर्ची को भी निकाल लेते हैं एक कटोरी में। हमने मिर्ची पाउडर को निकाल लिया है एक कटोरी में। अब हम हल्दी ले लेते हैं, हमने हल्दी को भी निकाल लिया है। अब हम धनिया ले लेते हैं, हमने धनिया को पहले ही से बारीक काट लिया है। अब हमने ऑयल लिया हुआ है, हमने ऑयल को ले लिया है। अब हम कढ़ाई में पहले ही से हमने तेल डाल के रखा है। अब इसमें हम हींग डाल देंगे, हमारा तेल पहले ही से गर्म हो चुका था। अब हम जीरा निकाल लेते हैं। तो हम इसमें जीरा डालने के लिए जीरा निकाल, हमने जीरा निकाल लिया, इसमें हमने जीरा डाल दिया है। अब हम अपने जो उबले हुए आलू हैं उन्हें ले लेते हैं। हमने इसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं, हमने उबले आलू को इसमें डाल दिया है। अब हम इस उबले हुए आलू को ना अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो पूरा हमारा आलू है वो अच्छे से तेल में पूरा मिक्स हो जाए। तो हम इस आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने आलू को जो ना अच्छे से, काफ़ी अच्छे से इसे तेल में मिक्स कर लिया है और साथ ही काफ़ी अच्छे से भून लिया है हमने इसको। हम थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि जो हमारा आलू भी अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। हमने एक चम्मच मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर डाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हमने इसमें आधी चम्मच हल्दी डाली है। अब हम इसमें नमक इसको हम पहले अच्छे से चला लेते हैं। हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारा मिर्ची और नमक है वो पूरे हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे अच्छे से चला लेते हैं पूरा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें तो हमारा जो आलू है वो अच्छे से पूरे मसाले में मिक्स हो जाएगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसे अच्छे से काफ़ी ज़्यादा इसे भून भी लेते हैं ताकि जो हमारा आलू है वो और अच्छे से भून जाए, हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें ना हल्का सा नमक डालेंगे। हमने इसमें ज़्यादा नमक नहीं डाला है अभी, जब हमारा पानी उबल जाएगा तब हम इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे। तो हमने इसमें पहले हल्का ही सा नमक डाला है, क्योंकि हमारा जो वो मट्ठा है वो फट सकता है। अब हमने इसमें मट्ठा हम इसमें डाल रहे हैं, जो हमने दही का पानी उसमें मिक्स करके बनाया था, वो हमने जो दही पतला कर लिया था, अब हमने उसको इसमें डाल दिया है। अब हम इसको खूब चलाएंगे, हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दही डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जब तक ये खोल नहीं जाता। हमें इससे अच्छे से चलाते रहना है। तो हम इसे चलाते रहेंगे, हम पूरे दही को अच्छे से इसमें, पूरे आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि हमारा जो आलू है वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए, पूरे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे तब तक हमारा जो आलू, मतलब हमारा जो मट्ठा है वो अच्छे से खोल नहीं मारने लगे। हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हम इसे बराबर चलाते रहें। हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें कि हमारा जो मट्ठा है वो अब जो हमारा खोलने लगा है खूब अच्छे से। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, तो अब इसमें नमक ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा पानी खोल जाए उसके बाद ही हमें नमक ऐड करना है। हमने नमक ऐड कर चुके हैं। अब थोड़ा सा अब हम इसमें वो हमने हल्दी, वो धनिया पाउडर, वो जो होती धनिया, हरी धनिया होती है, वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है। कि जो हरी धनिया है उसको डालने से बहुत ही ज़्यादा शोवर लगता है। तो हमारी जो दही के आलू, वो देखिए कितना ज़्यादा शोवर लग रहा है। तो अब जब वो उबल चुका है तो उसे चलाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं ताकि 2 मिनट के लिए हमारा जो आलू में कसर वो पक जाए। हमारा दही के आलू देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाओ कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना अच्छा लगता है। हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं, हमने इसे निकाल लिया है। तो हमारा देखिए, हमारा जो दही का आलू है कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, कितना डिलीशियस और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप अपनी फैमिली के साथ इसे सर्व कीजिए, आप खुद भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और दूसरों को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हम आपसे शेयर करें। तो आपने हमें इतना कीमती समय दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय संतोषी माँ।